Dear student, once again welcome back to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher, and today we are going to discuss about the new topic, that is Roman number. Dear student, previous video में आपने बहुत सारे डिफरेंस टॉपिक पे डिस्कस किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से हर टॉपिक को हमने कवर भी किया था. डियर स्टूडेंट, उसी क्रम में आज हम न्यू टॉपिक को लेके आए हैं, जो है रोमन नंबर. आइए चलते देखते हैं रोमन नंबर को हम कैसे इसको समझते हैं. ज़्यादातर हम कभी भी नंबर को काउंटिंग करने में, किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में राइट करने में रोमन नंबर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. लेकिन वो रोमन नंबर को हम मैक्सिमम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, किस नंबर को किस सिंबल से ड्रॉ कर सकते हैं, आइए आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं. डियर स्टूडेंट, बोर्ड पे हमने दो पार्ट में नंबर को शो करने की कोशिश किया है. फर्स्ट पार्ट इज हिंदू अरबिक नंबर एंड सेकंड पार्ट इज रोमन नंबर. सबसे पहले हम ये जानेंगे हिंदू अरबिक नंबर है क्या, उसके बाद हम रोमन नंबर को जानेंगे कि रोमन नंबर है क्या. डियर स्टूडेंट, हिंदू अरबिक नंबर वही है जो हम 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में यूज में लाते हैं. लॉन्ग टाइम बिफोर, इंडियन मैथमेटिशियन डेवलप दिस नंबर सिस्टम एंड इंट्रोडक्ट सम नंबर्स, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ड यूज इन दिस टाइप नंबर, दैट इज कॉल्ड हिंदू अरबिक नंबर. 1 से लेकर के जितने 100 तक जो भी नंबर हम यूज में लाते हैं वो सभी क्या है, हिंदू अरबिक नंबर है. आइए कुछ ऐसे हिंदू अरबिक नंबर है जिनसे एक फिक्स रोमन नंबर को हम ड्रॉ कर सकते हैं और उनके हेल्प से हम ढेर सारे रोमन नंबर में हम हिंदू अरबिक नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हम हिंदू अरबिक से रोमन नंबर में यूज में लाते हैं और उन्हीं नंबर से, जैसे हम हिंदू अरबिक नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0 मींस 0 से लेके 9 तक ही हिंदू अरबिक नंबर है. उससे हम चाहे जितना भी नंबर काउंटिंग में यूज कर ले, हम इन्हीं नंबर के यूज से बनाते हैं. कौन कौन नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे जो नंबर्स है ये हमारा हिंदू अरबिक नंबर है. इन्हीं नंबर से हम 1 से लेके 100, 1000, 1,000,000 हम कोई भी नंबर को बड़े आसानी से राइट कर सकते हैं. जस्ट उसी तरीके से रोमन नंबर में भी टोटल 7 सिंबल है. टोटल 7 सिंबल हैं जिससे हम बड़े आसानी से यूज में ला करके बार बार रिपीट करके हम कोई भी रोमन नंबर राइट कर सकते हैं. कोई भी हिंदू अरबिक नंबर को हम रोमन नंबर में ड्रॉ कर सकते हैं. तो आइए हम चलते हैं, पहले वो देखते हैं कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम डायरेक्ट एक ही वर्ड में रोमन नंबर में कन्वर्ट किए. जो सिंबल है 7 वो क्या है, आइए देखते हैं. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हिंदू अरबिक नंबर वो है जिससे हम इन नंबर को हम रोमन नंबर में ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट हमारा है वन, सेकेंड 5, देन आफ्टर 10 हमारा 3 जो नंबर हो गया है. 3 कॉलम में हमने हिंदू अरबिक नंबर फिल कर दिया है. 4 कॉलम में और हमें फिल करना है. 10 के बाद हम लिखेंगे 50, देन आफ्टर 100 एंड देन आफ्टर 500 एंड 1000. 500 एंड 1000, ओके. अब नंबर वो क्या है जो हम इन नंबर को हम रोमन नंबर में सिंबल में एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं नंबर क्या है. अगर 1 है
हिंदू अरबिक नंबर वन है तो हम उसे रोमन नंबर में आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? आई से। ओके, फाइव को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा वी रोमन नंबर है जो हम फाइव की जगह पे यूज करेंगे। क्लियर। सेकंड हमारा है टेन, जो किससे यूज होता है? एक्स से। जहां में एक्स मिलेगा हिंदू अरबिक नंबर, अगर हम उसे रोमन नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारा है, नेक्स्ट हमारा है 50 को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। सेकंड हमारा है 100 को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। एंड नेक्स्ट हमारा है 500 को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। एंड लास्ट जो है 1000, उसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो 7 हमारा रोमन नंबर्स है उसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे माइंड करेंगे और लाइफ टाइम हम इसे माइंड करेंगे, क्योंकि हम लाइफ टाइम रोमन नंबर को यूज में लाते हैं और इनका इतना इंपॉर्टेंस है कि हम जनरली रोमन नंबर को यूज में लाते हैं और ये चीजें में जानना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जिसको हम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम। माइंड दिस, आई वी एक्स एल सी डी एम, टोटल नंबर, टोटल सैंपल ऑफ बिलोंग टू द रोमन नंबर इज 7। आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ ऐसे सैंपल्स हैं रोमन के जिसे हम रिपीट कर सकते हैं ओनली मैक्सिमम 3 टाइम। कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई, इसे हम रिपीट कर सकते हैं, बट 5 कैन नॉट रिपीटेड एनी टाइम। आई मस्ट बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम मैक्सिमम, बट 5 इज नॉट रिपीटेड एनी टाइम। देन आफ्टर एक्स, एक्स विल बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम, बट एल इज नॉट रिपीटेड एनी टाइम। ओके, देन आफ्टर सी विल बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम, कंटिन्यू मैक्सिमम 3 टाइम विल बी रिपीटेड, बट डी इज नॉट रिपीटेड। माइंड दिस, डी इज नॉट रिपीटेड ओनली एम सी एक्स एंड आई विल बी रिपीटेड मैक्सिमम 1, 2 एंड 3 टाइम्स। ओके, हमें दो ही चीजें माइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारे रोमन नंबर के मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हिंदू टू अरबी से रोमन नंबर में इन्हीं 7 डिजिट की जरूरत पड़े। जैसे हिंदू अरबिक नंबर को राइट करने के लिए 1, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं उन्हीं नंबर को यूज मिला करके हम मोर एंड मोर नंबर राइट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर, बिगेस्ट से बिगेस्ट नंबर राइट कर सकते हैं। बट उसी तरीके से ये रोमन नंबर को ड्रॉ करने के लिए यही हमारे पास 7 है, उसमें 9 है, इसमें 7 है, 9 है, 10 है, 0 को ऐड करेंगे तो 10 हो गया। 10 डिफरेंट साइन है जो हिंदू अरबिक नंबर को बिगेस्ट से बिगेस्ट नंबर बनाने में हेल्प करता है। हिंदू अरबिक की तरह रोमन नंबर में भी 7 साइन है, 7 डिफरेंट सिंबल्स हैं जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रोमन नंबर में बड़े आसानी से राइट कर सकते हैं। वो नंबर है आई वी एक्स एल सी डी एन एम। जो नंबर को, जो सिंबल को हमने सर्कल किया है उसे हम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड चार्ट हम देखेंगे सेम इसी तरीके के, सेकंड चार्ट हम देखेंगे जो 1, 1, 2, 39 के नंबर को यूज में लाने के लिए हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं वो अगला चार्ट क्या है। ये हमारा सेकंड चार्ट है और ये हमारा 1 से लेके 10 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फर्स्ट यहां पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4 and 5। 1, 2, 3, 4 and 5 क्लियर। यहां पे हमारा होगा हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक नंबर। ओके, एंड दिस पार्ट बिलोंग टू रोमन नंबर, दिस पार्ट बिलोंग टू रोमन नंबर। चलिए नंबर को ड्रॉ करते हैं। द फर्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Dear student, this number belong to you Hindu Arabic number and just below column belong to the Roman number. Dear student, all Hindu Arabic number to the convert in this line to only Roman number. So first of all we have to write down 1 into Roman number 1i. Second, 2i. Third, 3i. Minus 3i. किसी भी रोमन नंबर को x, i, x, c and m को हम अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 टाइम, एंड दिस i विल बी राइट डाउन कंटिन्यू 3 टाइम, नॉट राइट डाउन 4 चांस। सो द नेक्स्ट इज आई भी 5 को लिखेंगे। लुक एट दिस चार्ट, 5 इज कन्वर्ट इन टू द 5 इन रोमन नंबर, दैट इज भी। 6 भी आई, 7 भी डबल आई, 8 भी ट्रिपल आई एंड 9 आई एक्स एंड 10 10 एक्स। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड चार्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट 1 to 39 इंडो अरबिक नंबर इनटू रोमन नंबर। यूज दिस चार्ट। फर्स्ट चार्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रोमन नंबर को हम कन्वर्ट, अगर रोमन नंबर को बनाना चाहते हैं हिंदू अरबिक नंबर को तो उसके लिए हमारा फर्स्ट चार्ट है, और मैक्सिमम 1 से लेकर 39 तक के नंबर को यूज करने के लिए ये हमारे चार्ट है, और अभी हमें इन्हीं चार्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट अब हम क्वेश्चन को कुछ एक्सरसाइज देते हैं और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, दो तरीके से कर सकते हैं, दो हम पार्ट करेंगे यहाँ पे। एक हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज जो हिंदू अरबिक नंबर से रोमन नंबर में करता है और रोमन नंबर से हिंदू अरबिक नंबर में कैसे करता है। आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर से हिंदू अरबिक नंबर से हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, हम कोई भी नंबर लेंगे, सपोज दैट 15 को हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देख पा रहे हैं 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। कैसे राइट करेंगे ये देख रहे हैं, प्रोसेस को हम देख रहे हैं। यहां पर हमें सभी इसको लर्न करना है बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। माइंड दिस एवरीबॉडी, विदाउट लर्न इन दिस चार्ट यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी हिंदू अरबिक नंबर इन टू द रोमन नंबर। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी मस्ट बी लर्न फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ट। ओके ओके, नाउ कम द पॉइंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 एंड 15
Hindu Arabic number to the convert into the Roman number. First of all, 10 plus 5 is equal to 15. And dear student, the value of 10, the symbol of 10 in Roman number is X. And plus the symbol of 5 in Roman number V. The answer is XV. Very easy. 15 को हमने रोमन नंबर में कन्वर्ट किया है. 10 प्लस 5, 10, the value of 10 is equal to x and the value of 5 is equal to v. Then after include the number xv, the total number 15 को क्या लिख सकते हैं? xv. Very easy. One more question. 25 is equal to, mind this, 10 plus 10 plus 5. The value of 10 is equal to x plus the value of 10 once again plus x, and the value of 5 is equal to v. X v, double x v is your answer. Is that clear to everyone? इस तरीके से हम बड़े आसानी से जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस तरीके से हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? एंड फर्स्ट दिस एक्सरसाइज दिस क्वेश्चंस कन्वर्ट इनटू द रोमन नंबर एंड सम एक्सरसाइज सॉल्व इन दिस पार्ट इनटू हिंदू अरबिक नंबर. रोमन नंबर में हमारा दिया है एक्स एक्स आई वी. हमारा एक नंबर है एक्स एक्स आई वी. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें हिंदू अरबिक नंबर में कन्वर्ट करना है. तो डियर स्टूडेंट, यहां पे हम देखेंगे x, x का वैल्यू होता है 10 प्लस इस x का वैल्यू होगा 10 और i और v का वैल्यू होता है 4. माइंड दिस, x का वैल्यू 10, इस x का वैल्यू 10 और i v का वैल्यू होता है 4. यहां पे देखिए i v का वैल्यू दिया हुआ है 4. हम बड़े आसानी से इसका आंसर लिखेंगे. 10 plus 10 is equal to 20 and 20 plus 4 is equal to 24. I hope, is that clear to everyone? I have one more question, that is question number 7. X, V, I. चलिए आइए देखते हैं इसका इसका क्या वैल्यू है. बहुत ही आसान है. The value of X is equal to 10 and plus the value of V is equal to 5 and the value of 3i is equal to 3. Okay? The value of X is equal to 10, the value of V is equal to 5 and the value of triple I is equal to 3. Look at the chart. Look at the second chart. The value of X is equal to 10, the value of V is equal to 5 and the value of 3i is equal to 3. And total number is 10 plus 5 15 and plus 3 18, and 18 is your answer. I hope, is that clear to everyone? Now dear student, this topic is very very important for you. Mind this, and rest of the question solve itself. First of all, find the sum questions related to this topic in your textbook and solve itself. Understand? Okay, take care, goodbye.